यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पिछले करीब 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर पर सरकार अब सख्त हो चली है और सरकार ने हड़ताल पर गए कंप्यूटर ऑपरेटर को स्पष्ट ये आदेश दिए हैं कि अगर 26 अप्रैल तक आप हड़ताल पर से नहीं उठे तो ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनको जो है बर्खास्त किया जा सकता है, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द किया जा सकता है। कर्मचारी काम पर लौटें ये सरकार की अपील भी है और उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब ये सरकार ने आदेश जारी किया है। जानकारी देते हुए फतेहाबाद के DC डॉक्टर हरदीप सिंह ने ये बताया भी है कि ई दिशा केंद्र और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर के जो गैर मौजूदगी है उसको लेकर जो है जनता के जो काम है वो भी ठप पड़े हैं, जिसके चलते अब सरकार की ओर से ये सख्त आदेश जारी हुए हैं। DC ने यह भी कहा कि हड़ताल पर गए कर्मचारी 26 अप्रैल तक वापस काम पर लौट आए और जो कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म समझ लिया जाएगा। स्ट्राइक पिछले अनेक दिनों से 15 तारीख के बाद चली हुई है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो जिनको हम डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं या प्रोग्रामर कहते हैं, उसमें सरकार ने अब फैसला ले लिया है कि ये लौट के नहीं आते हैं तो अल्टरनेटिवली रेवेन्यू का जो स्टाफ है, चाहे वो पटवारी है या दूसरा जो रेगुलर क्लर्क है, वो इस काम को करे ताकि पब्लिक को असुविधा ना हो। मैंने इनको नोटिस डाक से जो रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है वो समय खत्म हो गया है। मैंने अपनी तरफ से 26 तारीख इनको कहा हुआ है 26 तक आ जाएंगे।